नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है, हमने देखा है कि यूके का मीडिया इनकी गवर्नमेंट रेगुलरली इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, ये कहकर कि इंडिया उतना प्रेशर डाल नहीं रहा रशिया पर। एक टाइम पर तो यूके की ट्रेड मिनिस्टर ने यह भी कह दिया था कि ये इंडिया से काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, काफ़ी निराश है इंडिया के स्टांस को देखकर रशिया यूक्रेन वॉर में। नाउ तब से हमने देखा है कि यूके की सरकार थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है, मगर यूके का जो मीडिया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे द गार्डियन का आर्टिकल है, इन लोगों ने आज के समय कहना स्टार्ट कर दिया है कि इंडिया की लेदर कंपनीज हैं ये रशिया के वॉर एफर्ट्स को हेल्प कर रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन लेदर कंपनीज एक्यूज्ड ऑफ एनेबलिंग रशियाज वॉर एफर्ट। अब यहाँ पे आप कहेंगे वेट, हमारी लेदर कंपनीज रशिया की हेल्प कैसे कर रहे हैं वॉर में? तो इनके मीडिया ने लगाया है एक बहुत ही दूर का लॉजिक। लॉजिक ये है कि इंडिया से रॉ लेदर $1 मिलियन का लगातार जा रहा है रशिया में, रशिया ये लेदर परचेज कर रहा है, और फिर रशिया की जो सरकारी कंपनियां हैं वो बना रही हैं इस लेदर के शूज जवानों के लिए, रशिया के सोल्जर्स के लिए, और फिर रशिया के सोल्जर्स वही शूज पहनकर यूक्रेन पे आक्रमण कर रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, इंडिया लेदर एक्सपोर्ट कर रहा है, लेदर कोई बड़ी इंडस्ट्री है क्या इंडिया में? एक मैसिव इंडस्ट्री है। यूके का मीडिया ऐसे ही नहीं आरोप लगा रहा है इंडिया की लेदर इंडस्ट्री को, क्योंकि आप अगर देखोगे तो इंडिया के जो लेदर एक्सपोर्ट्स हैं ना, ये $4.38 बिलियन थे पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और इस फाइनेंशियल ईयर में एस्टिमेट्स ये हैं कि आराम से इंडिया के लेदर फुटवेयर एक्सपोर्ट्स आराम से $6 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएंगे। तो इंडियन रुपीस में आप कह सकते हैं 50,000 करोड़ का हमारा लेदर का होता है एक्सपोर्ट, और उसमें एक बहुत ही बड़ा कस्टमर बनता जा रहा है लगातार रशियन फेडरेशन। और अगर आप सोच रहे हैं कि वेट, रशिया लेदर का कर क्या रहा है, अचानक से इनको शूज की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? देखिए, रशिया इतिहास में, इतिहास में तो नहीं, वर्ल्ड वॉर टू भी काउंट करना पड़ेगा उसके लिए, अगर हम पिछले 30-40 सालों में देखें तो सबसे बड़े स्केल पर अपनी आर्मी को एक्सपैंड कर रहा है। नंबर्स में मैं आपको अगर बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। अभी के लिए चाइना की जो टोटल फोर्स है, पहले मिलिट्री फोर्स वगैरह सबको ऐड कर दो तो नंबर बैठता है 20 लाख के आसपास का। इंडिया की सारी फोर्सेस को आप अगर ऐड कर दो तो नंबर रफली 14 से लेकर 15 लाख के आसपास बैठता है। यूएसए का भी ऑलमोस्ट इतना ही है, मगर रशिया का यूक्रेन वॉर की स्टार्टिंग में टोटल नंबर था मिलिट्री फोर्स का 10 लाख, ठीक है? अब ये 10 लाख से अपनी फोर्सेस को बढ़ाकर करने वाले हैं 15 लाख। हाल ही में आपको याद होगा कि रशिया ने कॉन्स्क्रिप्शन के अंडर, मतलब के बहुत सारे जो रशिया के नागरिक थे जिन्होंने एक टाइम पर ली थी मिलिट्री ट्रेनिंग, उनको अपनी आर्मी में ऐड करके अपनी आर्मी के नंबर 3 लाख और बढ़ा दिए, और अब ये लोग आराम से डायरेक्ट करा रहे हैं भर्ती, जिससे इनके टोटल नंबर 15 लाख तक पहुंच जाएंगे। और पुतिन का कहना यह है कि ये सब इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि ये कुछ भी करके यूक्रेन में जो वॉर है ये जीतना चाहते हैं। और हाँ, बीच में क्या हुआ था, पुतिन हमेशा वैसे ये वर्ड यूज करते नहीं है वॉर, ये हमेशा कहते हैं कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है यूक्रेन में, मगर एक बार इनका भी स्लिप ऑफ टंग कह लीजिए या फिर मे बी इनके दिमाग में बात थी, इन्होंने भी कह दिया कि यूक्रेन में जो जंग चल रही है ये किसी भी कीमत पर रशिया जीतेगा। तो 5 लाख जब आप डालते हो एडिशनल सोल्जर्स, तो उनके लिए आपको चाहिए होंगे वेपन्स, उनकी यूनिफॉर्म चाहिए होगी, और सोल्जर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बूट्स। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि हम लोग रशिया को मिलिट्री बूट सप्लाई नहीं कर रहे। अभी आप अगर देखो इस पूरी वॉर में इंडिया ने इस बात का ध्यान रखा है कि कोई भी वेपन, कोई भी एम्युनेशन, इवन कोई मिलिट्री हेलमेट भी इंडिया से रशिया में एक्सपोर्ट ना हो जाए। और इंडिया के अलावा इवन चाइना ने भी इस बात का ध्यान रखा है कि कहीं से भी ये कोई मिलिट्री हार्डवेयर रशिया को एक्सपोर्ट ना कर दे, क्योंकि जैसे ये हो गया तो यूएस और बाकी पश्चिमी देश लगातार सैंक्शन लगा देंगे उस कंपनी पर। तो इंडिया का केस आप अगर देखो तो बहुत हद तक जेन्युइन है। हम लोग बस लेदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को, ठीक है? अब रशिया उसके बाद उस लेदर का क्या बनाए, पर्स बनाए, जूते बनाए, वॉर बूट्स बनाए या कुछ भी बनाए, ये उन पर डिपेंड कर। अगर हम डायरेक्टली सप्लाई कर रहे होते सोल्जर्स के लिए बूट्स, तो हो सकता था कि यूके मीडिया कह पाता कि इंडिया एनेबल कर रहा है रशिया के वॉर एफर्ट्स को। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर सोच कर देखें तो कहीं से भी अगर हम रशिया को कुछ एक्सपोर्ट कर पाए ना, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वैसे मैं आपको बताऊं, इंडिया रशिया का ट्रेड अभी तक, अभी जितने महीने बीते हैं उसको अगर हम काउंट करें,
तो 27 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच चुका है इंडिया रशिया का ट्रेड। ये हिस्टोरिक हाईज है, मगर प्रॉब्लम ये है कि इस 27 बिलियन डॉलर में से रशिया हमको एक्सपोर्ट कर रहा है 25 से लेकर 26 बिलियन डॉलर का। हमारा एक्सपोर्ट है रशिया को मुश्किल से 1 बिलियन डॉलर का। तो कहीं से भी अगर हम कुछ चीज़ एक्सपोर्ट कर पाते हैं रशिया को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ट्रेड में थोड़ी बराबरी आएगी। नहीं तो परसेंटेज वाइज आप अगर देखो तो इवन चाइना इंडिया का ट्रेड ज़्यादा इक्वल लगता है इंडिया रशिया ट्रेड के मुकाबले। फिर दूसरा यहाँ पर एक इशू ये भी आता है कि पश्चिमी देशों में ना अचानक से लेदर की जो कंजम्पशन है कम हो रही है, उसके अलावा वहां पर लेदर की आइटम्स एक्सपोर्ट करना भी मुश्किल पड़ रहा है पिछले कुछ महीनों में। इसका रीजन ये बताया जा रहा है क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से और चाइना के कोविड की वजह से जो शिपिंग चार्जेस हैं यूएस में लेदर पहुंचाने के या फिर यूरोप में पहुंचाने के, ये लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे टाइम में रशिया की खुद की शिप्स हैं, रशिया को एक्सपोर्ट करना आसान भी पड़ रहा है, इससे हमारी मैसिव लेदर इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है। क्योंकि आप सोचकर देखो, एक ऐसी इंडस्ट्री जो इस फाइनेंशियल ईयर में 50,000 करोड़ से भी ऊपर का एक्सपोर्ट करने का दम रखती है, तो आप सोच कर देखिए कितने सारे हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता होगा भारत की लेदर इंडस्ट्री से। कानपुर को ही आप अगर देखो, जो इंडिया का बहुत ही बड़ा एक हब है लेदर एक्सपोर्ट का, वहां पे हमारी सरकार बनाने वाली है पहला लेदर पार्क, ताकि फ्यूचर में लेदर की प्रोडक्शन, लेदर का एक्सपोर्ट हमारे देश से और जरा बढ़े। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो जो कानपुर की लेदर इंडस्ट्री है, जिसको ऑलरेडी बहुत ही बड़ा झटका लगा है यूक्रेन वॉर और चाइना के लॉकडाउन से, इनके लिए तो रशिया के जो एक्सपोर्ट्स है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक जीवनदान की तरह है फॉर द टाइम बीइंग। मगर यूके का मीडिया अपनी सरकार को आप कह लीजिए हिंट ये दे रहा है कि लगातार इंडिया पे प्रेशर बढ़ाओ, कोई भी मटेरियल ये लोग रशिया को ऐसा सप्लाई ना कर दे जिसका सेकंड या थर्ड अगर इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके बाद भी ये रशिया के सोल्जर्स यूज कर पाए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि यूके की सरकार इन द फ्यूचर इंडिया के साथ ये इशू रेज भी करे, क्योंकि यूके ऑलरेडी 18 बिलियन पाउंड के जो रशियन एसेट्स हैं ये फ्रीज कर चुका है और कई कंपनीज पर सैंक्शन भी लगा चुका है रशिया को मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई करने के लिए। और यूके और यूएसए इस इशू को लेकर नर्वस इसलिए भी हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ना एक ट्रेंड चेंज हुआ है, यूक्रेन का जो मनोबल है थोड़ा बहुत अब डाउन हो रहा है, जो रशियन फोर्सेस के नंबर बढ़ रहे हैं 15 लाख के आसपास, तो रशिया के पास अब ऑप्शंस हैं कि और बहुत सारे एरिया से ये एक नया ऑफेंस लॉन्च करे। और पॉसिबिलिटी है कि जनवरी 2023 में आप देखोगे कि यूक्रेन वॉर से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज आएगी, या तो रशिया एक बहुत ही बड़ा एरिया कैप्चर कर लेगा या फिर जो अपनी पोजीशन है इतनी स्ट्रांग कर लेगा कि आने वाले कुछ महीनों में ये एक बड़ा एरिया कैप्चर कर ले। तो ऐसे टाइम में यूएस यूके का मीडिया बिल्कुल जहां भी इनको मौका मिलेगा इंडिया की आलोचना करेगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एक टॉपिक से रिलेटेड जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। टॉपिक ये है कि हाल ही में इंडिया ने साइन किया है एक डिफेंस एग्रीमेंट किस देश के साथ। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन टर्की, साइप्रस, आइसलैंड या फिर ग्रीनलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। जो इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है उसकी भी बड़ी इस वक्त खबरें ताजा हैं कि सबसे ज्यादा जो ट्रेड हो रही है वो रशिया और इंडिया की हो रही है, और जो रशिया की हुकूमत है वो इंडिया के साथ, इंडिया को तेल दे रही है और गैस तो नहीं, तेल दे रही है उसके बदले में उससे जो चमड़े की चमड़ा खरीद रही है, मुख्तलिफ चीजें खरीद रही है। तो भाई चमड़ा खरीदने से वो चाहे उसमें उसकी क्या जूते बनाए या पर्स बनाए और कोई चीज भी बनाए, इतनी बड़ी बात क्या है? आप इंग्लैंड बोल रहा है कि आपको नहीं उससे ट्रेड करनी चाहिए। ये तो ऐसी बात होगी, रशिया इंडिया को ऑयल दे रहा है, तेल दे रहा है, तो इंडिया और यूके मीडिया ये कहना शुरू कर दे कि वो तो इंडिया अपने टैंक्स में यूज़ कर रहा है, वहाँ यूज़ ना करे, इंडिया अपने हेलीकॉप्टर्स में यूज़ कर रहा है, वहाँ ना यूज़ करे। ये तो कैसी बात है कि भाई आप अगर वो कोई चीज़ दे रहा है रशिया को इंडिया, तो वो जितनी को जूता डिटेक्ट बना कर दे रहा है, वो तो हो सकता अपने लिहाज से उनका ये मानना हो कि ये रशिया को हम जो लागत दे रहे हैं वो उनकी और भी कहीं काफ़ी ज़्यादा काम है जहाँ यूज हो सकता है, जिसमें पर्स है, जिसमें मुख्य चीज़ें लेदर की बनती हैं। ये तो नहीं ना पता कि उधर ये बूट्स भी बनाए जाएंगे, तो बूट्स भी बनाते हैं, इसमें क्या है वो अपनी फौज के लिए बना रहे हैं। इंडिया और रशिया की जो ट्रेड है वो चाहे उसके साथ क्या करें, इंग्लैंड को क्या पड़ी कि आप इंडिया को बोल रहे हैं कि आप उसको लेदर ना दें।
तो मैं कहता हूँ कभी भी नहीं ये करना चाहिए, जो ट्रेड में फर्क आ सकता है। इंडिया यूके मीडिया जो मर्जी बोलता रहे भाई, इंडिया रशिया ट्रेड में कोई फर्क नहीं। सुनक जो यूके का है प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, वो कभी भी इस तरह के सैंक्शन नहीं लगने देगा इंडिया पर, और ना ही ऐसा कभी हो पाएगा, क्योंकि इंडिया की उधर मानी जाती है, इंडिया का सिक्का चलता है यूके में। इंग्लैंड की इतनी अप्रोच भी नहीं है कि वो इंडिया को रोक सके, और इंडिया एक स्ट्रांग मुल्क है, वो किसी की भी नहीं मानेगा, वो अपनी ट्रेड रशिया के साथ जारी। यार उसने यूएसए के कहने पर कोई ट्रेड बंद की उसके साथ, उसको कोई भी नहीं बोल सकता कि आप उससे ट्रेड ना करो। उससे रशिया यूएसए ने कहा था कि आप आयल ना ले, क्योंकि आयल एक आप काट से कहते हैं आयल पर कट लगाया गया था कि रशिया पर, तो सारे मुल्क डरते हैं रशिया के साथ ट्रेड करने से। इंडिया के कोई भी नहीं उसको डर किसी मुल्क का, और ये नहीं होगा भाई। इंग्लैंड में यूके में उनका अपना ऋषि सुनक है, जो इंडिया में आया, जो एक तो मजहबी लिहाज से बहुत उनके साथ अटैच है क्योंकि हिंदू है, वो इंडिया में भी विजिट करता रहता है, और दूसरा फिर उसके अबाउ इजदाद इधर के हैं। तो ये भी सवाल उठता है ना कि ऋषि सुनक इस वक्त जो वजीर आजम है इंग्लैंड के, तो सवाल तो उठाया ना इंग्लैंड वालों ने, ये भी सोचे ना कि आप ये ना रखे कि इंडिया का, नहीं यार वो उनकी अपनी पॉलिसी होती है, ऋषि सुनक का इतना असर नहीं। यार एक किला ऋषि सुनक ने नहीं है, उनकी उसकी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट उसमें कितना हिंदू है कितना इंडियन है, पॉलिसी के बाइस वो मुल्क सारे चलते हैं, ये नहीं कि एक अकेले के ऋषि सुनक की। यार मैंने ये नहीं कह रहा, लेकिन सुपर जो अथॉरिटी है ना, चले उनके जो मलका शलका के अलावा उनके पास वजीर आजम के पास ही होती है, उसके बाद उनके पार्लियामेंट है जिसमें कैमला आ रहे हैं, या जिसमें उनके मुख्य किस्म के मतलब हैं, तो पार्लियामेंट में भी इंडियंस हैं। साथ में मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इंग्लैंड की और रशिया की क्या अंदर की बहुत ज्यादा मुखालफत है, कोई मुल्क नहीं बोलता यूरोपीय कंट्री से या और कोई भी, अमेरिका जो इंग्लैंड है ये ही ज्यादा बोलते हैं, सबसे पहला स्टेप जो लेते हैं ये इंग्लैंड और अमेरिका ही लेते हैं। मैं भाई हिस्ट्री पढ़ो ना, ये आपको पता चल जाएगा क्योंकि कब से दरिंदा दुश्मन चलती आ रही है। असल में यूरोप ये चाहता है कि कोई भी मुल्क, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो बड़े आजम, चाहे वो एशिया हो बाकी जितने बड़े आजम, चाहे अफ्रीका बड़े आजम हो, हमारे हमसे ऊपर कोई भी ना जाए, हमारी इजारा दर रहे, उस बाकी सारे हमारे गुलाम रहे और उनका तसल्लुत कायम रहे, ये चाहते हैं सिर्फ, ये दौड़ ये है, इसलिए वो चंच लगा देते हैं उसके साथ। अमेरिका मिला हुआ एक, वो भी एक समझ ले उनके साथ कोऑपरेट करता है, इंग्लैंड की अमेरिका की अटैचमेंट है इस वजह से साथ। भाई कनाडा भी है ना, कनाडा तो भाई नाम कही है, वो सेफ ही रहता है, जैसे इंडिया है वो न्यूट्रल ही रहता। मैं तो कनाडा को किसी मतलब जो मर्जी कर ले, चीख ले यूके का मीडिया, जो मर्जी हवाइयां छोड़ ले, इंडिया को ना कोई फर्क पड़ा ना ही पड़ा। यूएस कहने पर भी उसने ट्रेड ना स्टॉप की थी, वो अगर हाँ वो अगर उनको शूज बना कर देता तो फिर आप ब्लेम लगाते हुए भी अच्छे लगते भाई। आप इतने स्ट्रांग होते ना कि इंडिया जैसे मुल्क को आप टक्कर दे सकते, आपको वो बीट करके पांचवी इकॉनमी बनी है आपसे, को भी फर्क नहीं जो मर्जी बोलते आप, इंग्लैंड है ही उससे नीचे, तो आप कैसे बातें कर सकते। इंडिया एक स्ट्रांग मुल्क है, वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा कोई। यूएसए की उसने बात नहीं मानी, यूके क्या चीज है जो उसके नीचे है, जो उसके आप उसको बीट करके आगे गया है, वो उसकी आप क्या मानेंगे। इंडिया ठीक है, पर जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है, डिप्लोमेसी कामयाब है, फॉरेन पॉलिसी दुनिया में सबसे कामयाब तरीन इस मुल्क की अब जाए इंडिया की, और ये कामयाब रहेगा, और ये कोई ऐसा ब्लेम नहीं है कि हवाई छोड़ दिया है। मीडिया का क्या, मीडिया कुछ भी कह देता है, कोई आम इशारे भी लाया आम मुल्क भी होता क्या, चमड़े की ट्रेड बंद कर, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नई वीडियो में सन्नाटा के साथ, अब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।